प्रदेश सरकार ने विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाकर सीएसटी आरक्षण पर मुहर लगा दी। अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की सीमा 10 साल के लिए और बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट देखिए। यूपी सरकार ने यूपी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर SC ST आरक्षण पर मुहर लगा दी है। सदन की कार्यवाही में 126वें संविधान संशोधन विधेयक को विचार के लिए रखा गया, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सहमति की मुहर लगा दी। इस विधेयक के पारित होने से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण की सीमा 10 साल के लिए बढ़ गई है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि हम गरीबों, वंचितों और पिछड़ों के लिए योजनाएं बना रहे हैं, विपक्ष ने सिर्फ इन्हें वोट बैंक बनाया। वहीं अपने भाषण के दौरान हुए हंगामे पर सीएम योगी ने कहा कि यही विपक्ष का असली चेहरा है। विपक्ष पर वार करते हुए सीएम ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया। सीएम ने कहा कि हम बिना किसी भेदभाव के काम कर रहे हैं। सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, और हमने जो कहा वो करके दिखाया। हमने कभी भेदभाव योजना के नाम पर नहीं किया। हमने किसी के साथ जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया, लेकिन बिना भेदभाव के संविधान प्रदत्त अधिकार लोगों को प्राप्त हो, यह सरकार इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वहीं राम गोविंद चौधरी ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति का कोई सबसे बड़ा विरोधी है तो वो BJP है। चले थे हरिभजन को वोटर लगे कपास। माननीय मुख्यमंत्री जी, यही क्या क्या ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? इन्होंने क्या किया? अब बैठिए आप। अध्यक्ष जी, अगर अनुसूचित जात जनजाति का सबसे बड़ा कोई विरोधी है तो भारतीय जनता पार्टी है। सीएम ने आज सबक शब्द से विरोधियों पर वार किया। सीएम ने कहा कि हमने 2 अक्टूबर को 26 नवंबर को विशेष सत्र बुलाया और साल के आखिरी दिन भी विशेष सत्र बुलाकर एक रिकॉर्ड बनाया है। ये जो ये सबका बनते हैं ना, स से सपा, ब से बसपा, क से कांग्रेस, ये प्रदेश के दलितों और वंचितों के सबसे बड़े विरोधी रहे हैं। और महोदय, इस रूप में मैं पूछना चाहता हूं इसलिए पूछना चाहता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर और कांसी राम जी के नाम पर बने हुए स्मारक और उनके नाम पर बने हुए प्रदेश के पैसे से बने हुए स्थलों का नाम बदलने का काम किसने किया था? राम गोविंद चौधरी ने सदन में खड़े होकर सरकार से मांग की कि सरकार जातिगत जनगणना कराए और उसके आंकड़े पूरे प्रदेश और देश के सामने रखे जाएं। कि उत्तर प्रदेश विधानसभा से प्रस्ताव पास करे कि हर जाति की जनगणना करा लिया जाए और जो जाति का जितना हिस्सा हो उसको उतना आरक्षण दे दिया जाए। SC ST आरक्षण के मुद्दे पर सदन में जोरदार संग्राम देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक दूसरे पर जमकर वार किए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।